आइए देखिए, मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो दे रहा हूं। समय का प्रॉब्लम है। अभी एक 24 इंच का एक टीवी है, इसका पैनल नंबर पहले मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसको टीवी को खोल दिया, खोल के काम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका पैनल नंबर है देखिए, B236BJ1-P01। अच्छा सर, का पैनल नंबर ठीक है, B236BJ1-P01 मोस्ट कॉमन पैनल है। पैनल का इशू नहीं है ये प्रॉब्लम क्या देखिए, बहुत आदमी बोलेगा बहुत क्या कौन सा बड़ा बात है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा उसके हॉर्न में नहीं होता है, छोटा छोटा बहुत प्रॉब्लम होता है जिसके लिए आदमी का फंसना पड़ता है। इसमें जो एक अच्छा बोर्ड लगा हुआ है देखिए, TP.V56.PA6A1 ठीक है ना, एमस्टर का सीपीयू है, बहुत अच्छा सीपीयू है, बहुत अच्छा बोर्ड भी है ये। अब दिक्कत क्या है, अब ये बोर्ड में जो भी दिक्कत आता है, कोई आदमी बोलेगा मैं दूसरा मार्केट से बोर्ड लाया कि ना, इसको डाल दिया हो गया, उसके बाद रेजुलेशन का इशू आएगा। चलिए वो भी उसको मालूम है तो वो क्या करना है वो कर लेगा, लेकिन बात तो नहीं है। बात यह है कि फॉल्ट फाइंडिंग करा बड़ा सबसे बड़ा चीज है। एक टेक्नीशियन को बड़ा चीज क्या होता है कि उसको सही फॉल्ट फाइंडिंग करना, एक डॉक्टर को जैसा कि बीमारी का सही पता करना, तो हम लोग का भी मेन चीज क्या है कि बीमारी का सही पता करना। तो ये पैनल का नंबर आपको देखा है 24 इंच का है, और ये बोर्ड इसमें लगा हुआ है। इसका फॉल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर लाइन दे रहा हूँ, स्टैंड बाय लाइट जरा, मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से पावर ऑन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखना, पावर ऑन हुआ, आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन में लाइट आएगा, चला जाएगा, देखिए आ गया, लेकिन एक झटका आया, स्टैंड बाय में आ गया। मैं फेर कर रहा हूँ आपके सामने, मैं कीपैड नहीं छू रहा हूँ, देखिए कोई पहले का, आप देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए ऑन हो गया, दिख रहा है आप स्क्रीन देखिए, मेरा हाथ यहाँ पर है, दो कीबोर्ड आपका सामने है, कीबोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कीबोर्ड भी पैनल के साथ में हो जाए। देखिए मैं फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ऑन किया, चलिए ऑन नहीं हुआ, ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हुआ अभी, देखिए डिस्प्ले आया, सच सच चला गया, मैं फिर कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, फेयर कर रहा हूँ, अब हुआ, डिस्प्ले आएगा, साथ साथ स्टैंड बाय में रिलीज आ रहा है, मतलब रिलीज करके भी छूट जा रहा है। आप यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टेज देखते हैं, देखो वोल्टेज दिखाओ, अब मैं इसका वोल्टेज अगर देखता हूँ हम लोग, देखिए इसका जो 3.3 वोल्टेज आए, देखिए एकदम परफेक्ट है, 12 वोल्ट जो है सही है, ठीक है। अब बैकलाइट तो बूस्टिंग होगा नहीं, 12 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर रैम वोल्टेज अभी नहीं होगा, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज करूंगा। अब देखिए मैं स्टैंड बाय रिलीज करता, देखिए रैम का वोल्टेज दिखाओ, दिखाओ दिखाओ मीटर दिखाओ, रैम वोल्टेज, सॉरी ये मेरा रैम वोल्टेज, ये 1, 2, 3, 4, 5 वोल्ट, 6, 7 3.3, ये हो गया रैम वोल्टेज 1.8। स्टैंड बाय रिलीज होगा, रैम वोल्टेज भी आएगा, देखो 1.8 आ गया, ये चला जाएगा, ये रैम वोल्टेज भी चला जाएगा, लेकिन रैम वोल्टेज हाई, अभी कभी चला जाता है कभी हाई, तो रैम वोल्टेज है 3.3 है, मेमोरी आईसी का 8 नंबर में देखिए 3.3 है, रैम का वोल्टेज अभी प्रेजेंट है, अभी फिर चला गया 3.3 प्रेजेंट है, रैम वोल्टेज अभी था अभी नहीं है, मतलब अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, ठीक है। देखिए स्टैंड बाई लाइट फिर जल गया। ये बोर्ड में आपको जब भी दिक्कत आएगा ना, देखिए ये सॉरी मैं इसको लाइन को ऑफ कर रहा हूँ, ये जो 1118 IC है ना, ये 1118 जो IC होता है, ये आपका अगर लगा हुआ है तो आप इसको सीधा टारगेट कीजिए, क्योंकि यही विक्टिम होता है LC1118 AIC जो है, बक कन्वर्टर सॉरी रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, डुअल रेगुलेटर 3.3 और 1.8, इसका दिक्कत होता है। आप इसको ब्लाइंडली चेंज करो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर भी आपको देखिए, मैं दोबारा दे रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है देखिए,
ये आ रहा है, नहीं हुआ, कीबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा, आप देखना, देखिए स्टैंड बाय रिलीज किया, अब यह चला जाएगा, देखिए झटका मार के लाइट चला गया। मैं इसको 111 जो है उसको मैं चेंज करूँगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बैटरी का लाइन ऑफ किया, मैं अपना चश्मा लगा लेता हूँ, अब देखिए मैं इसको, मैं टीवी को खोल लिया क्योंकि खोलने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं इसमें देखिए आपको सामने मैं क्या करूँगा, थोड़ा पेस्ट लगाऊंगा और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा सोलर अप्लाई करूँगा, क्योंकि सोलर अगर अप्लाई करता हूँ तो जल्दी मेरा ये आईसी जल्दी से निकल जाता है। आप देखिए अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा सोलर मैं पहले यहाँ पर डाल दूंगा ताकि मेरा निकालने में दिक्कत ना हो। यह टेक्निक क्योंकि पूरा जो सोलर होता है वो ड्राई होता है, ड्राई होने से निकालने में दिक्कत होता है। आप देखिए आप लोग को तो बहुत आदमी को मालूम है इसका आईसी का मार्किंग यहाँ पर है। देखिए ये जो है मार्किंग है, देखिए बोर्ड में मार्किंग दिया हुआ है, दिखाओ जूम करके, यहाँ पर सादा रंग का एक एरो दिया हुआ है, दिख रहा है? हाँ, ये एरो है, ये मार्किंग है। अब मैं पहले तो इसको निकालता हूँ, मैं इसको ब्लोअर से निकालता हूँ, निकाल के उसके बाद मैं इसको दूसरा आईसी डालूंगा। ये मेरा ब्लोअर से हीट हो रहा है, मैं उसके बाद यहाँ से एक आईसी डालूंगा 111, ठीक है ना? ये आईसी डालूंगा, मेरा सेट ओके होना है, तो यहाँ से मैं एक आईसी डालूंगा, पहले मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एक निकाल के रखता हूँ, ये हीट होते होते, ताकि उसी हीट में मैं दोबारा जल्दी से लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए आईसी निकाल लिया, मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ, कोई भी यहाँ ले रहा हूँ, इसका मार्किंग यहाँ पर है एक नंबर पिन, ये डॉट है, देखिए ये डॉट एक नंबर पिन है, तो ये डॉट यहाँ पर मार्किंग है, ये डॉट इधर में मेरा ऊपर साइड में जाएगा। अब देखिए मेरा आईसी निकल गया, ये आईसी को मैं यहाँ पर रखता हूँ, फेंक दिया। अब मैं ये नया आईसी जो है, देखिए सोलर नहीं है अभी, देखिए बीच में भी, तो ये बीच में यहाँ पर सोलर होगा, मैं यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको डालूँगा, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा सोलर होगा तो मैं इसको, अब देखिए मैं हो सकता है मैं इसको पहले भी निकाल सकता हूँ। एक्स्ट्रा सोलर जो मैंने डाला था वो सोलर को मुझे पहले अगर निकाल देता तो मेरा दिक्कत कम होगा। ये सोलर एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है ये मैंने पहले अगर निकाल देता हूँ तो मेरी दिक्कत कम होगा। ये मामूली काम है, बड़ा काम नहीं है, ये कोई 50 इंची का 60 इंची का पैनल का काम नहीं है। जब पैनल का काम आएगा तो मैं पैनल का काम भी दिखाता हूँ। और मैं आप लोग का इस बीच में एक बात बता रहा हूँ, मैं भी एक ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं अपना स्टूडेंट का नंबर देता हूँ। इसलिए नंबर देता हूँ कि आप स्टूडेंट को पूछिए कि जीवन दास जो बोलता है वो सही है कि झूठ है। किसी का हिम्मत है, किसी का हिम्मत है तो किसी का अपना अपना स्टूडेंट का नंबर दे, यूट्यूब में अपना स्टूडेंट का नंबर दे, ताकि स्टूडेंट से पता करे कि वो जहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है वो सही है या गलत है। मैं तो अपना स्टूडेंट को नंबर बोलता हूँ ताकि स्टूडेंट जो मिला मेरा पास वो बोलेगा आपको हाँ सही है, सर ने काम सिखाया या नहीं सिखाया, वो काम कर सकता है आज का दिन में या नहीं। ये चीज़ किसी का बस का बात नहीं है, आप लोग खुद सोच लीजिएगा क्या कोई ट्रेनर अपना स्टूडेंट को नंबर बोलता है कि अपना नंबर बताओ, लेकिन जीवन दास बोलता है कि अपना नंबर बताओ। यही बड़ा चीज़ है जो आप लोग का धोखा होता है। धोखा इसीलिए होता है कि आप लोग चमक में जाते हो कि चमक दिखा दिया, देखो ऐसा है वैसा है, बड़ा बड़ा डायलॉग मारने वाला, लेकिन मेरा पास बड़ा डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं हाथ पकड़ के काम सिखाता हूँ। सुबह से शुरू करके सुबह रात को 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक 6 बजे तक भी मेरा क्लास चलता है। मेरे स्टूडेंट को फ़ोन करके पूछ लेना कि जो सर बोलता है वो सही है या गलत है। और मेरा बहुत सारा ट्रेनिंग का वीडियो मैं लास्ट में करने का टाइम भी मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ और लास्ट में स्टूडेंट को जाने का वक्त होता है, वीडियो करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग सोच लीजिएगा कि आप जहाँ पर ट्रेनिंग में जा रहे हो वहाँ का जो स्टूडेंट ट्रेनिंग ले चुका है स्टूडेंट से संपर्क करो, स्टूडेंट बताएगा कि जहाँ पर वो ट्रेनिंग लिया है वो सक्सेस है ये फेल है। मैं यही बोलता हूँ कि मेरा स्टूडेंट बोलेगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं अपने आप को सही बोलने से नहीं होगा, यूट्यूब पे बड़ा बड़ा दिखाने से नहीं होगा, डायलॉग मारने से नहीं होगा,
मेरा स्टूडेंट बोलेगा अच्छा, तो आप बोलिएगा कि हाँ स्टूडेंट अच्छा बोला है। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं बोलता है तो सोचिए कि वहाँ पर गड़बड़ है, ये तो गारंटी है। मेरा पास भी बहुत सारा स्टूडेंट आता है सर, वहाँ पर गया था एक दिन बैठने का दिया, बाद में बोलता है जाओ होटल में जाओ, सर 3 दिन क्लास करके बोलता है मेरा तबीयत खराब है भागो यहाँ से क्लास खत्म। ये सब चैलेंज एंड गारंटी है कि ऐसा जीवन दास के पास नहीं होता है। और जीवन दास के पास सपोर्ट भी 100% होता है, सपोर्ट भी 100% है। सुबह से रात 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक, जब तक काम चलता है किसी का स्टूडेंट का, तब तक सपोर्ट चलता है, ये भी गारंटी है। तो ये चैलेंज एंड गारंटी है। आप लोग कहीं भी आप ट्रेनिंग लो तो उससे पहले उसका स्टूडेंट को आप देखो, आप उस स्टूडेंट से संपर्क करो कि वो स्टूडेंट उस सर से काम सीख पाया या नहीं पाया। तो मेरा भी अच्छा खराब आपको देख रहा है, तो मेरा स्टूडेंट से आप संपर्क करो, क्योंकि मेरा स्टूडेंट ही बताएगा कि मेरा पास काम सीख पाया या नहीं पाया, मैं सपोर्ट देता हूँ या नहीं देता हूँ। नॉर्मल टीवी, स्मार्ट टीवी, पैनल, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर देता हूँ या नहीं देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये गारंटी है। मेरा अगला क्लास है जनवरी का 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, ये दिसंबर का 18 तारीख मेरा क्लास है। 22 तारीख नवंबर का मेरा क्लास हो चुका है, ठीक है। अभी ये दिसंबर 18 का मेरा क्लास है, 4 सीट सिर्फ खाली है, 4 सीट। अभी समय बहुत लंबा है, काल परसों 4 सीट खाली हो जाएगा, ये भी गारंटी है। तो मैं झूठा हूँ सच्चा हूँ मेरा स्टूडेंट बताएगा, मैं बताने से नहीं होगा, सब कोई अपने आपको अच्छा बताता है। किसी का हिम्मत है, कोई ट्रेनर है, मैं चैलेंज करता हूँ कि अपना स्टूडेंट को नंबर बताओ, इसी से पता चलता है कि आप सही हो या गलत हो। यूट्यूब में बड़ा बड़ा झूठा झूठा वादा करने से नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट आता है, सर यहाँ पर गया था वहाँ पर गया था, एक पहले दिन बैठा, पहले दिन बैठने के लिए दिया पैसा तो सब ले लिया, अगला दिन बोलता जाओ अपना होटल में कहीं भी चला जाओ भाई यहाँ पर जगह नहीं है। कोई बैस में क्या होता है, बोलता सर 3 दिन क्लास करके भगा दिया, सर प्रैक्टिकल के लिए सामान नहीं देता, बल्कि मार्केट से खरीद कर लाओ, फिर जला देता है, उड़ा देता है। लेकिन मेरा पास नहीं है, सारा सामान मेरा होता है, मेरा पैनल बर्बाद होगा, बोर्ड बर्बाद होगा, कुछ भी होगा मैं दूंगा, सारा इंस्ट्रूमेंट मैं देता हूँ। ऐसा बहुत सारा मीटर फेंका हुआ है, मैं खुद भी बेचता हूँ, अच्छा अच्छा मीटर मैं देता हूँ स्टूडेंट को, सारा पार देता हूँ, मॉड्यूल देता हूँ, स्मार्ट बोर्ड देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट को फोन करके पूछ लेना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अपना डायलॉग, ये डायलॉग है, झूठ बात है या सच है, मेरा स्टूडेंट बताएगा। मैं अपने आपको बोलने से, मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ ना, ये डायलॉग आप सुन रहे हो तो ये सही है गलत है, मेरे स्टूडेंट को पूछ लीजिए। क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ मेरे स्टूडेंट को नंबर होता है, कोई ट्रेनर का स्टूडेंट का नंबर कोई ट्रेनर नहीं देता है, उसका डर है उसका पकड़ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पास ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट को फोन करो, इसलिए मैं स्टूडेंट का नंबर देता हूँ। लेकिन दूसरा कोई आपको स्टूडेंट का नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसका डर है, क्योंकि उसका डर है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो गारंटी है, ये गारंटी जीवन दास का A1 tech का गारंटी होता है, ठीक है। आप चलिए इसको ऐसे लग गया, आप हम लोग इसको टीवी को ऑन कर रहे हैं, ऑन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन स्विच होता है, डिस्टर्ब होता है, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये शुरू में झटका में आता है, उसका बाद स्टैंड बाय में रिलीज होने के बाद फिर स्टैंड बाय में आता है। आप देखिए, आप टीवी हमारा स्टैंड बाय में रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आईसी है ना, ये बहुत फॉल्टी होता है कॉम्बो बोर्ड में। आपको कोई भी इशू आता है मेन बोर्ड में, सबसे पहले आपको टारगेट इसको करना है, आप इसको चेंज कर रहे हो या CA 1235 से ऊपर से डाल के देख लो। मैंने पहले भी ऐसा वीडियो बहुत बनाया कि आपके पास नहीं है, आप इसको कॉन्फर्म करने के लिए ऊपर में आप मेमोरी आईसी का 8 नंबर में 3.3 डाल दो, मतलब इसका 1118 में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 5 4 6 में 3.3 उसमें डाल दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप ओरिजिनल आईसी डाल दो, और मेरा पास ऐसा सारा सामान मिलता है, सारा सामान मिलता है, स्टूडेंट को सामान का भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं ज्यादा बात बोलता हूँ, लेकिन जो भी बोलता है ईमानदारी से सच्चा बोलता है, मेरा स्टूडेंट बताएगा। मेरे स्टूडेंट को फोन कर लेना, वो बताएगा सर जो इतना बात बोलता है सही है या झूठ है। झूठा बात जीवन दास नहीं बोलता जिंदगी में।
और मेरा स्टूडेंट पैर में खड़ा है, दो चार घटिया स्टूडेंट मन का घटिया होगा तो वो घटिया ही निकलेगा, क्योंकि वो अलग बात है कि वो सोचता अलग है, ठीक है ना, उसका सोच अलग होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ। बहुत सारा ग्रुप में बहुत सारा स्टूडेंट आने का कोशिश करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको मैं नहीं लूंगा, उसका बिहेवियर से पहले पता चलता है, इसलिए मैं अपना जो कंसर्न है उसका बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।